इसीलिए भांग की खेती भी खूब करते हैं। खूब करते हैं हम लोग, भांग की खेती भी क्यों नहीं करते हैं। तो युवराज की होनी है आज बालों की कटिंग। यह है कंडाली जिसको हम सूंड कहते हैं। तीन चार पाँच छह सात सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से। हर हर महादेव, स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। और इस वक्त गांव में चल रही है खूब खेती बाड़ी और ये टाइम आ गया है अब आलू बुआई का। आज स्कूल जाएगा युवराज। जाने वो यार पे स्कूल। हाँ। बिल्ली बोले चूहे चाचा। ये दिखने का जितना ही क्यूट है ना उतने जुए भी हैं इसके सिर में, देख सकते हो। ये इसके जुए भी हैं। और बिल्ली तो आज खेत में जाने से पहले ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है देख सकते हैं। ये खीर बन रही है और ये अभी खीर तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आज पूरा दिन काम ही काम है, आलू लगाना है। और बगल वाले जो चाची हैं आरती नरेजा यहाँ पर बैठने के लिए आ गए हैं। और चाय पीने, खीर खाने के लिए या चाय पीने के लिए? चाय पीने। ये हमेशा सुबह शाम आती रहती है और अपने घर की जो भी कटनी है वो यहाँ पे लगाते रहते हैं। ये आरती नरेजा को सब पता होता है कि अर्जुन के घर पे क्या बन रहा है, तो आ जाती है बिना पूछे ही। तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं आ गया हूँ खेतों में जहाँ पर आज चलेगा पूरा दिन काम, यानी कि आलू की बुआई करनी है। अपने खेत में पहुँच गया हूँ और यहाँ पर ईजा लगी है आलू बुआई करने में। यहाँ ना जैसे आम आदमी के लिए अपना आजीविका, अगर इसी खेती बाड़ी से लोग करना चाहें तो अपनी आजीविका आराम से आदमी कर सकता है। कहते हैं किसान कैंचुआ का मित्र है। देखो कितने कैंचुआ मिले, कितने कीड़े मिले, हाथ पर भी लगते हैं। कीड़े एकदम बुरे भी नहीं होते, कीड़े कोई चीज़ को मतलब बढ़ावा भी देते हैं जैसे फसलों को, वो चीज़ भी अच्छा होता है। बाकी आलू के साथ यहाँ पर जो लोकल की सब्जियाँ होती हैं वो क्या क्या अभी उगाई जाती है यहाँ पे? अभी इसके बाद नंबर एक तो आलू का ही हुआ, फिर दूसरा जो है राजमा जहम छिम कौन, फिर दूसरा उसके बाद क्या होता है लोकल की सब्जियां जैसे ये गोभी भी होती है, धनिया यहाँ होता है, लहसुन की खेती। देखो ये है कंडाली जिसको हम सूंड कहते हैं। तो काल सूंड के अगर हमें सब्जी खानी होती है तो जैसे पहले के हमारे माताएं क्या करते थे, ऐसे काटते थे, ये ऐसे निकालते थे, ये ऐसे। इसको खाने से क्या क्या बीमारियां नहीं होती है, हार्ट नेचुरल चीज है। जिन लोगों ने भी अगर ये खा रखा होगा, इसको क्या बोलते हैं उलमरा हिंदी में कहा जाता है, हिंदी और घर की भाषा में उलमरा ही कहा जाता है। तो ये भी ऐसी विटामिन चीज़ है, अगर इसको खाओगे तो ये आपको पालक फेल कर देगा। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है इसकी। लेकिन लोग आजकल जो नीचे की सब्जियां खा रहे हैं, देखो कितना केमिकल है, कितने मतलब कितने दिन में आ रही है वो सब्जी। तो आदमी हम लोग कहते हैं कि यार मैं बीमार पड़ गया हूँ, तो बीमार का कारण यही है आजकल। क्यों ये हम अपनी नेचुरल सब्जी को खाते नहीं है। ये पेट दर्द की दवा भी है इसी के अंदर, ये आपको मिलेगी पेट दर्द अगर आप खा के देखें तो। इसको जो है मैं आपको खा करके भी दिखा रहा हूँ आपको, ये इसको खाओगे पेट दर्द नहीं होगा। तो अभी गांव में आ गया हूं मैं और गांव में आते ही देख सकते हैं दुर्गा अंकल लगे हैं अपने खेतों में। अंकल जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बेटा। आलू बुआई हो रही है? और साथ में राजमा की तैयारी, चल रही है देख सकते हैं। सब लगे हैं भाई अपने अपने स्तर में, सब लगे हैं। ये हमारा प्रॉपर हमारा धंधा है, इस चीज को हम अपने परिवार को पालने के लिए एक जरिया भी बनाते हैं। और दूसरी बात ये हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं हुआ। अच्छा। हम लोग यहाँ पे कठिन काम से ही अपना दिन व्यतीत करते हैं। क्या बात है। तो अभी यहाँ पे लोकल की भी कई सब्जियां यहाँ पे उगाएंगे। हाँ जी। जैसे कि राजमा, राजमा है, मूली है, फिर भांग है। हाँ। और क्योंकि भांग लोग उसको बुरे तरीके से देखते हैं, हम उसकी सब्जियां खाते हैं। हाँ, सर्दियों में हमको गर्मी पैदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों के लिए तो बहुत बेस्ट है, सब्जी होती है हमारे यहाँ। और इसीलिए भांग की खेती भी खूब करते हैं। खूब करते हैं हम लोग, भांग की खेती भी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास व्यवसाय नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं, कुछ नहीं, एक रिगाल से जीवन यापन करने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको तो जरिया भांग की खेती से तो हमको कई बेनिफिट मिलते हैं, जैसे रस्सी बनाने का काम जो है वो भांग से मिलती है। हाँ जी। और मिस्त्री अंकल भी पहुंच गए सूपी से। सूपी से पहुंच गए और सामने हिमालय के दर्शन भी हो रहे हैं, देखो बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं। तो ये अस्त्र शस्त्र तैयार करने लग गए हैं और ये अस्त्र शस्त्र हैं। चाचा भी किस चीज की तैयारी चल रही?
ये चल रहे हैं बैलों को जूक की तैयारी चल रही है। अच्छा, और ये उनका अस्त्र शस्त्र है, ये उनको उनको टिकाने वाला, ताकि इधर उधर भाग ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अस्त्र शस्त्र इसमें फिट होंगे, इसमें फिट होंगे। ये कल बनाया है और ये अब ये इनमें फिट होगा ऐसे, फिर ये जाएगा बैलों के गले में, बैलों के गले में। चाचा जी के घर पे आज ये ठेकेदार बुबू पहुंच गए हैं। आज तो क्या ला रहे हैं बुबू? झाड़ू लेके आ रहे हैं। झाड़ू लेके क्या है कीमत एक झाड़ू की? बस वो 40 रुपए, सस्ता ही है, सस्ता ही है। ये पूरा गठर लेके आ रहे हैं मार्केट से, गांव-गांव में विजिट करेंगे आज। आज वो गांव में बिकेंगे नहीं बिकेंगे देखते हैं। इतने शेठ आदमी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप? अरे रोजगार करना हुआ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने, रोजगार हुआ, शेठ का क्या मतलब होता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, गरीब है, बच्चों को पालना ही हुआ, तेरे को भी पालना ही हुआ, तूने काम तो करना ही है। तो अभी ना मैं घर पे पहुंच गया हूं और एक दो दिन से बारिश हो रही है और जो अपना पुराना वाला घर है ना उसमें भाई पानी टपकने लग गया है, छत खराब हो जाती है। तो पानी जब बारिश होती है तो टपकना शुरू कर देता है, अंदर पानी आता है। तो जिसके लिए त्रिपाल रखते हैं छत में, बुबू लगे हैं काम और बुबू का काम है त्रिपाल को सेट कर रहे हैं। इसे अपनी बोली में बोलते हैं दाथुल पल्याना, दराती की धार को तेज करना होता है एक पत्थर में, जिससे कि ये दराती बहुत तेज होता है। स्कूल से आ गया, कैसा रहा आज स्कूल में? मजा आया। दूध पिया और क्या क्या पढ़ा? पढ़ा। अच्छा मजा आया, बार खड़ भी पढ़े। आज पहली बार है, बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो आज नानी जा बना रहे हैं हरी सब्जी और युवराज अभी भी स्कूल से पहुँच रहा। हरी हाग बना रहे हैं आज, हरी सब्जी बन रही है, देख सकते हैं लंच की तैयारी। कहाँ से? यहाँ से। ये कौन सी सब्जी होती है? वलमरा की सब्जी होती है। मौसम का भी कोई भरोसा नहीं यार, सुबह ठीक था और अभी मौसम खराब हुआ। तो अपने गौशाले में आप देख सकते हैं गायों को बाहर ही आज बाधा है और यही बगल में बुबू भी कंकड़ तोड़ रहे हैं, देख सकते हैं गिटियां बना रहे हैं, मतलब खाली नहीं बैठे बुबू, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज हुड़का निकाला अपना प्लास्टिक वाला, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अर्जुन भाई हुड़के में कुछ ना कुछ किया करो। तो आज सोचा मैंने कुछ सॉन्ग हो जाए और युवराज भी स्कूल से पहुंच गया है तो एक झोला चचरी करते हैं। कौन सा करते हैं? शुभदर की चिल बसंती। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये कि युवराज को दूसरा गाना याद हो गया, नहीं तो हमेशा एक ही गाना याद था युवराज को। कौन सा? देवली। हाँ देवली गाना याद था। सुबदार की चल बसंती जोला गो नैनीताला, सुबदार की चल बसंती जोला गो नैनीताला। चिपल चौबाटो जोला गो नैनीताला, कुटिरड़ चिपल याद नहीं है गाना? कौन सा गाना याद है? हल्द्वानी बाजार बटी बरमा सुनार बट हेले मुलाई, एक तलकी झुमकर हेले मुलाई, एक तलकी झुमकर। सब बुबू के साथ गाएंगे। बुबू के साथ गाओगे? बुबू भी गाते हैं? बजबेगा। चलो फिर गाना सुनेंगे? कोई अच्छा सा गाना सुना दिया। चलो कौन सा गाओगे? चाहक होटल। चलो दिल्ली है गो दूर, दिल्ली बता दूर, चाहक होटल अपनी जानो परदेश में, अपनी जानो परदेश में, कपकशी करोल, चाहा को हिद्दे कनकपुर, चाहा को हिद्दे कनकपुर। मजा आ गया यार दोस्तों, में यार बुबू आवाज कैसी लगी कमेंट करके बताया। अच्छा जब ना जागर में देवी देवताओं को हम नचाते हैं तो कौन सा बाजा लगाते हैं? कौन सा? जो नहीं देता उसका भी भला करो, जो देता उसका भी भला करो,
बुबुया आइडिया कहाँ से सीखा आपने ये? अरे नेपाली आए थे हाँ। इसे अगर हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ में भी चोट आ सकती है हाँ। तो जो चप्पल को काट के ऐसे बना दिया था जितनी जोर से मार सकते हो हाँ। कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। अच्छा ये आइडिया सीखा आपने हाँ। नेपालियों से नेपाली। तो युवराज की होनी है आज बालों की कटिंग। युवराज कौन सा लुक करना है? विराट कोहली का जो स्मार्ट दिखना। हाँ विराट कोहली वाला लुक करना है। इसको गाली पीटो हाँ। कौन पीट रहा है स्कूल में? मास्टर मैडम हाँ। ये देख सकते हैं नया लुक बन गया है विराट कोहली वाला, फटी चड्डी। बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा। ये चड्डी कैसे फट गया? आग लगी। आग लगी। अच्छा चल कोई नहीं, नहा ले तू, नहा ले। ननू मैं भाई। हाँ ननू मैं भाई। अपना भाई, चल भाई भाई भाई। तो खेतों से आने के बाद आज फिर से रसोई का जो काम था वो पापा ने संभाला और ईजा आज अलग हुई है। एक साइड से ईजा का चल रहा प्रॉपर भोजन, दूसरी तरफ अपना था। फाइनली गाइस खाना हो गया है और अभी हम जा रहे हैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए अपने गांव से 10 से 15 किलोमीटर दूर तलाई। तो मेरे साथ में आज युवराज भी आ रहा है ब्लॉग अपलोड करने के लिए। तो युवराज ये फूल इसलिए निकाल रहा क्योंकि कल फूलदेही का त्यौहार होने वाला है जिसके लिए युवराज अब तैयारी करने लग गया है। तो आप सभी लोगों को फूलदेही की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फूल लाते हुए ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। जंगल से बुरांस के फूल और सरसों के, प्योली के फूल, सारी तैयारियां करनी होती हैं त्यौहार के लिए, रंग बिरंगे फूल लाने होते हैं। तो ये ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी जय पहाड़, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। बाय 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 कर दीजिए। बाय बाय।